अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन सोफियानी बिरयानी, जो कि वाइट कलर में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी होती है ये। तो इसे बनाने के लिए आधा किलो मैंने मटन ले लिया है। इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हरी मिर्ची ज़्यादा डाल रहे हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर, और एक छोटे साइज के लेमन का जूस ऐड कर देंगे इसमें। गरम मसालों में दालचीनी, जावित्री, जायफल का छोटा टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 4 लौंग ऐड करेंगे। मसालों में 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 1/2 कप के करीब। आप चाहे तो घर की जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8 बादाम और 8 काजुओं को भिगाकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। छिलके नहीं उतारे थे बादाम के, छिलकों के साथ पीस लिया था। और 1/2 कप इसमें दही ऐड करेंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। थोड़ा पुदीना गार्निशिंग के लिए बचा लिया है मैंने। और तली हुई प्याज ऐड करेंगे, 3 मीडियम साइज की तली हुई प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने बचा ली है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देना है फ्रीज में, क्योंकि ये दम में पकती है बिरयानी। इसको पकने के लिए वक्त लगता है, इसलिए इसको मैरिनेट करना ज़रूरी है। अब हम राइस को बॉईल कर लेते हैं। पानी लिया है, उसमें ऑयल ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तेज़पत्ते, स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, कोथमीर और पुदीना और शाह ज़ीरा ऐड किया है इसमें। जब पानी में बॉईल आ जाए तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये बासमती राइस है, 2 ग्लास लिए हैं मैंने राइस। इनको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो कर रखा था, उसके बाद पानी में उबालने डाला है। अब इसको हमें सिर्फ 50% कुक करना है, कच्चा पक्का रखना है चावल को, क्योंकि मटन बिरयानी हम दम में बनाने वाले हैं तो दम में ही हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए वही बर्तन है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। तो इसमें सबसे पहले हम जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो डाल देंगे और इसके ऊपर गरम गरम बॉईल किए हुए राइस डाल देना है। राइस ठंडे नहीं डालना है, गरम गरम आप जैसे ही बॉईल करके निकाले वैसे ही दम लगा देना है चावलों को। तो ये देखिए राइस को हमने 50% कुक कर लिया है। ये आधे कच्चे और आधे पक्के चावल है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हाथ से तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा आधे कच्चे पक्के हैं चावल। इनको हम थोड़ा सा दबा लेंगे। ये मैंने दूध लिया है, इसमें केवड़ा वाटर मिलाया है। केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर जो भी आप उसको मिला दें, ज़रा सा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब तली हुई प्याज जो हमने बचा कर रखी थी वो डाल देंगे इस पर और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। कलर वगैरह इस पर कुछ ऐड नहीं करना है, ये बिल्कुल वाइट बिरयानी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है ये। अब ये देखिए इस तरीके का कॉटन के कपड़े से इसको कवर कर देंगे और प्लेट से ढक देंगे और इसके ऊपर कुछ वज़न चीज़ हमें रख देनी है जिससे भाप बाहर ना आ सके, क्योंकि गोश्त को पकने में टाइम लगेगा। और नीचे तवा रख दिया है मैंने। ठीक
ठीक है, इस तरीके से लपेट के कुछ वजन बर्तन रख दे, तवा रख दिया है नीचे, 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम को लो करेंगे और 1.5 घंटे तक इसको दम होने देना है, क्योंकि जितना टाइम तक आप इसको दम दोगे गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और बिरयानी में दम भी आ जाएगा। तो ये देखिए 1.5 घंटे मैंने इसको दम दिया था, तो माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। राइस भी आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, अखे अखे भी हैं और कुक भी हो चुके हैं, और बिरयानी हमारी जली भी नहीं है, नीचे से लगी भी नहीं है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं बिरयानी को। देखें डिश आउट करने से आपको पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह बिरयानी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो हमारी बहुत ही लजीज मटन सोफियानी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।